Hi guys, welcome to my channel Digital Book. This is Ashish. Please like, subscribe and share my channel and press the bell icon so that you will never miss a video from Digital Book. Okay, today I am going to show you about statements and expression. इससे पहले भी हम statements पढ़ चुके हैं, ठीक है? तो कुछ चीज रह गया था. Statement actually क्या करता है? जो भी action उसे करने के लिए बोला जाता है वो वही एक्शन को परफॉर्म करता है. फॉर एग्जांपल ए इक्वल टू 3, मतलब 3 जो वैल्यू है वो असाइन होगा ए में, ए वेरिएबल में स्टोर होगा, इसलिए इसे बोलते हैं असाइनमेंट स्टेटमेंट. इंटीजर ए, ये है डिक्लेरेशन स्टेटमेंट, जो कि हम एक वेरिएबल ए डिक्लेयर कर रहे हैं जो कि इंटीजर टाइप का है. प्रिंट एफ परसेंटेज डी ए, मतलब ये इनपुट और आउटपुट स्टेटमेंट, ये क्या कर रहा है? आउटपुट दे रहा है, प्रिंट कर रहा है, रिजल्ट शो कर रहा है, ठीक है? सिंपली अगर सेमीकोलन होगा तो उसे हम बोलेंगे नल स्टेटमेंट. नल स्टेटमेंट हम आगे यूज करेंगे जब हम लूप के बारे में पढ़ेंगे, उस टाइम हम नल स्टेटमेंट यूज करेंगे, ठीक है? उसके बाद आते हैं कंपाउंड स्टेटमेंट. कंपाउंड स्टेटमेंट क्या होता है? जो बहुत सारे सिंगल सिंगल स्टेटमेंट को लेके होता है कंपाउंड स्टेटमेंट. फॉर एग्जांपल मैन बॉडी, मैन बॉडी जो है, मैन बॉडी में प्रिंट एफ स्टेटमेंट होता है, डिक्लेरेशन स्टेटमेंट होता है, इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट होता है, सबको मिला के हम बोलेंगे कंपाउंड स्टेटमेंट, ठीक है? और जैसे एक स्टेटमेंट सेमीकोलन से एंड होता है, ठीक वैसे कंपाउंड स्टेटमेंट कोई भी सेमीकोलन से एंड नहीं होता है. अगर मेन बॉडी में हम सेमीकोलन दे देंगे और सेमीकोलन यूज करेंगे तो वो प्रोग्राम में एरर आएगा, ठीक है? देन एक्सप्रेशन. एक्सप्रेशन क्या है? एक्सप्रेशन कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स, वेरिएबल्स को लेके, कंस्टेंट को लेके, ऑपरेटर्स को लेके एक्सप्रेशन होता है. इसमें एक सिंगल एंटिटी भी हो सकता है, फॉर एग्जांपल 10 सिंगल एंटिटी है, ए इनपुट 1 एक्सेट्रा, ये सब सिंगल एंटिटी वाला एक्सप्रेशन है. y इक्वल टू 3 + 4, ये मोर देन वन एंटिटी है, इसे भी एक्सप्रेशन कहते हैं, ठीक है? एरिया कैलकुलेट करते हैं तो 2 × length + breadth, ये भी एक एक्सप्रेशन है. ओके, थैंक यू. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ऑपरेटर्स के बारे में, सो प्लीज कीप वॉचिंग माई वीडियो.